पजामा का देखो हम के तू जुदा नहीं है, ना खुदा है ना खुदा से जुदा है। इसीलिए मेरे दोस्तों सारा मंगला लीवर आकर अटक गया। अभी आप आई यू आर अनइंट्रोड्यूस आई डोंट नो यू, आई लॉस्ट व्हाट योर रिलीजन, आई वांट टू नो व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन, तो आई आस्क हु इज योर लॉर्ड। मैंने सोचा यार तीन खुदा वाला है कि एक कि 33 मिलियन इन इंडिया 33 करोड़ देवता वाला है। हम जिस मुल्क गए हैं वहां 33 करोड़ देवता है, 33 करोड़ 33 मिलियन एक देवता को अगर एक दिन में राजी किया ना तो हम मर जाएंगे और कुछ बहुत ज्यादा देवता बच जाएंगे जिनका नाम कर देंगे। क्या प्रॉब्लम है इंडिया में? हमने पूछा भी है लॉर्ड आप जगह रबी अल्लाह माई लॉर्ड इज अल्लाह। अब मालूम हो गया कि यह बंदर जो है ना नेचुरी नहीं है, ये पक्का कम्युनिस्ट नहीं है। अल्लाह को मानता है, डाउट सिर्फ ये है कि बेस क्या है मानने का, बेस क्या है। तो हमने बोला बेस नहीं सुनो, व्हाट्स योर रिलीजन? तो बोला माय रिलीजन इज इस्लाम, मैं मुसलमान हूं। ये जवाब से पता चलेगा बंदा जो है योगी नहीं, नसरानी नहीं, मजीदी भी नहीं और सिख भी नहीं, बंदा जो है मुसलमान। अपने को चुप हो जाना चाहिए ना, मैं फरिश्ता चुप नहीं होता। हमें जान लिया कि अल्लाह वाला है, इस्लाम को मानता है, तो हम इस्लामी जमात में आ गया। मैं उल्टा नहीं कहूंगा, मैं अपने हिसाब से बोलूं, इस्लामी जमात में आ गया मगर फरिश्ता सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। दीन इस्लाम कब्र में पहला सवाल क्या है? मन रखो का योर लॉर्ड। मोमिन रिप्लाई माई लॉर्ड इज अल्लाह रब्बी अल्लाह। अनदर क्वेश्चन, व्हाट योर रिलीजन? मदीनों का। तो मोमिन रिप्लाई दीन इस्लाम माई रिलीजन इज इस्लाम। तो इस्लामी हो जाने के बाद क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन फरिश्ता सेटिस्फाई नहीं है। तो फरिश्ते ने यह दिया कि अगर कोई इस्लामी जमात होने का दावा करे तो भी वो कामिल नहीं है। इसीलिए सुन्नियों ने कहा कि आज की कोई जमात इस्लामी कामिल नहीं है। जब तक वो फरिश्ता जहां मुतमईन होगा वहीं सुन्नी मुतमईन होगा। फरिश्ता का सवाल खत्म होता है जब वो पूछता है माकुम का तकुलोपी हाजर रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। जब नबी के बारे में उसने कहा आधा नबी और मोहम्मद रसूलुल्लाह, नारे को ढाका के लिए से इसे बात समझ जाओ। तो फरिश्ते ने पूछा मकुद दखुल, ये नहीं कहा कि क्या कहते हो, व्हाट डू यू से नहीं कहा, व्हाट वॉज योर हैबिट। मकुद दखुल क्या कहा करते थे? जो जो कहा करता था उल्टा सीधा वही फंसेगा। हम तो कहेंगे तो यार रसूल अल्लाह कहा करते थे, या नबी अल्लाह कहा करते थे, या हबीब अल्लाह कहा करते थे, या नूर अल्लाह कहा करते थे। अरे जो अपनी तरह कहता रहा होगा वो फंसेगा। तीसरा सवाल, उसकी वजह शायद ये हो, नुक्ता बाद अल्लाह खुद पेश कर रहा हूं कि तरतीब इस तरह से क्यों है कि पहले रब के बारे में, फिर दीन के बारे में,
नबी के बारे में ये तरतीब क्यों? अल्लाह रसूल और दीन ऐसा हो जाता, पहले अल्लाह के बारे में फिर नबी के बारे में फिर दीन, ये अल्लाह के बाद दीन और दीन के नाम पर दीन, ऐसे क्यों? तो मुमकिन इसकी वजह ये हो कि ये अल्लाह का मानने वाला है तो दुनिया तो पता लग जाइए, तो दुनिया पूछा गया मादीनों का, उसे कहा मेरा दीन इस्लाम है, बात अभी खत्म नहीं हुई, इस्लाम में भी तो भरोसा छोड़ दीजिए, किस फिरके से तेरा ताल्लुक है ये तो तभी पता चलेगा जब नबी के बारे में तू बोलेगा क्या कहा करते थे। तो कब्र में इस्लाम का दावा काफी नहीं, उसकी वजह यह है कि खुदा का मानना तब सही जब वो इस्लाम की बुनियाद पर हो, और इस्लाम का दावा तब सही जब दलील मोहम्मद रसूलुल्लाह हो। उससे बड़ी बात है ये सब बातें, अभी नबी भी तो है तो फरिश्ते तुमने ये क्यों नहीं पूछा तो बाबू उसी वो दिस प्रॉफिट नबी तुमने कहा मां कुंता दखूलो फी हाजर नबी, ये मर्द तो कामन लग है, हम सब मर्द है लेकिन नबी कोई नहीं है, तो रसूल मर्द ही हुआ नबी क्यों नहीं कहा? इसका जो जवाब के अंदर में मर्द नबी कह देता तो सवाल ही में तो जवाब आ जाता, हम इम्तिहान ले रहे या सवाल कर रहे, तेरे ही मानते हम इम्तिहान लेना तो हम कोई सवाल यू नहीं करेंगे कि तेरे जवाब में तुझे जरूरत हो जाए, तेरा ईमान बोले फाइव क्या है, अभी हम कह देंगे इमाम हुसैन इब्ने अली के वालिद का नाम बताओ, सवाल ही में तो जवाब है, उमर इब्ने खत्ताब के अब्बा का नाम बताओ तो सवाल ही में तो जवाब है, इस नबी के बारे में बताओ सवाल ही में तो जवाब है कि नबी है, मैं मर्द कहूंगा, क्वेश्चन है कि मैं मर्द कहूंगा, देखूं तू मर्द सुनकर बशरियत में उलट के रह जाता है या नबूवत भी नजर आती है, और दूसरा जवाब सुन, नबी होने के लिए अगर फरिश्ते ने नबी लफ्ज यूज किया होता तो आप सारे मौलवी कहते कि कब्र में नबी नहीं होते क्योंकि तो नबी कहा गया है, नबी बगैर जिसम के भी नबी हो सकता है, जिसमें बशरियत के बगैर वो नबी हो सकता है, हो सकता ही नहीं हो चुका है, सुन तो नबी हो आदम बैनल माय वक्ती आई वाज प्रॉफिट व्हेन आदम वाज बिटवीन सोइल एंड वाटर एट दैट मोमेंट आई वाज प्रॉफिट, आदम से पहले कोई आदमी नहीं है, आदम से पहले कोई बशर नहीं है, आदम से पहले कोई इंसान नहीं है, और हुजूर आदम से पहले है, तो जब आदम से पहले होंगे तो आदमी कैसे होंगे, आदम से पहले होंगे तो बशर कैसे होंगे, आदम से पहले होंगे तो इंसान कैसे होंगे, नबी है मगर इंसान नहीं, नबी है मगर बशर नहीं, आदम से पहले तो मेरा नबी बगैर बशरियत के नबी रह चुका है, तो अब अगर कहा जाता कि मकुंदा तकुलोपी हाजर नबी, मकुंदा तकुलोपी हाजर नबी, तो ये मौलवी हजरत कह देते कि यह नबी इस्तेमाल हुआ है, तो जैसे